हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट डज फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। तो यह जो डायग्राम है क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है उससे यह क्वेश्चन है। पॉपुलेशन जो होता है डिक्लाइनिंग होता है, जैसे ग्राफ जो हम बनाते हैं इससे हमें दो तीन चीज़ें शो होती हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग है या कांस्टेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है या स्टेबल पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कैसा है ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती हैं। तो ये इंडिकेट होता है, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होता है जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा जो है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बर्थ नहीं हो पाएगी और उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। कंस्टेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होता है जहाँ पे धीरे धीरे हमेशा जो है डिक्लाइन कर रहा हो पॉपुलेशन, मतलब कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बढ़ रही होती है, घट नहीं रही होती है, जैसे कि यहाँ पर घट रही है। उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग वो होगा जिसमें कि जो है प्री रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्टेबल होगा जिसमें कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ही मतलब सेम होते हैं, उनका पॉपुलेशन जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यह जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है धीरे धीरे घट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो घट रहा है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर घटेगा तो कोई भी पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेबल, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन, द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, द डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट। तो यहाँ पे जो है इन्वर्टेड बेल शेप्ड है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आप देख सकते हैं कम है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ही सबसे ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जाएंगे तो ये घट रहा है, इधर जब हम जाएंगे तो ये घट रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव है वो सबसे ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है। तो इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेबल, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन, द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन, द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। चौथा है, द डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इन्वर्टेड डंबल शेप्ड होता है ना, यह जो है इंडिकेट करता है स्टेबल पॉपुलेशन को, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन। ए स्नैक फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक है जो कि एक फ्रॉग पे फीड कर रहा है। ए हॉग फीड ऑन दिस स्नैक, व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्नैक इन फूड चेन। स्नैक जो है, ए स्नैक जो है फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक जो है वो फीड करता है फ्रॉग पे, स्नैक फीड ऑन फ्रॉग, एक स्नैक जो है वो फीड करता है फ्रॉग पे। ए हॉग फीड ऑन दिस स्नैक, एक हॉग जो है वो फीड करता है ऑन दिस स्नैक, व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्नैक इन फूड चेन। तो ये हमारा फ्रॉग हो गया, अब फ्रॉग को कौन खा रहा है स्नैक,
और स्नैक को कौन खा रहा है, हॉग जो कि यह बर्ड हो गया, ये स्नैक हो गया, ये फ्रॉग हो गया। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉग जो है क्या हो गया, तो फ्रॉग नहीं यहाँ पे स्नैक का पूछ रहा है। तो स्नैक जो है हमारा प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो घास पेड़ पौधों को खाते हैं और उनको खाने वाले को जो खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी वो होते हैं जो, तो फ्रॉग जो है प्लांट वगैरह तो खाता नहीं है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो सेकेंडरी में तो ये आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया, और स्नैक जो है वो टर्शियरी में आ जाएगा। तो हमारा स्नैक जो है सेकेंडरी में भी आ सकता है और टर्शियरी में भी आएगा, क्योंकि मान लीजिए ये प्रोड्यूसर तो है नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर तो फ्रॉग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। व्हाट इज़ करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम के लिए क्या करेक्ट है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो यह जो डायग्राम है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, प्री रिप्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर लेस, या फिर इट इन इट प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल हैं वो ज़्यादा हैं नंबर में, वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है, यह है हमारा, ऑर्किड लिविंग ऑन ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ऑर्किड है, ऑर्किड जो है, जो कि कोई भी प्लांट होता है तो उस पर जो ऑर्किड होता है उसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं, पीले कलर की एक लता जैसे ऐसे होती है। तो यह जो है ट्रीज पे रहता है, तो यह जो है ट्रीज से इसकी रूटें निकलती है और उससे यह जो है अपना भोजन लेता है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसकी रूट होती है, इसकी रूट होती है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो कि हवा में मौजूद, जो जो हवा में मौजूद जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यह प्लांट पे जो है रहता है, लेकिन ये अपना भोजन खुद बना सकता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है और प्लांट से फूड को लेता है। तो यह जो है किस तरह का हो गया, पैरासिटिज्म तो हुआ नहीं, प्रीडेशन भी नहीं हुआ। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें भी ऐसे होता है, और कमेंसलिज्म में जो होता है दोनों को फ़ायदा है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा है। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा है और एक को कोई, एक को एक न्यूट्रल है, माने प्लांट को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह कमेंसलिज्म हो जाता है। तो एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट इन फूड चेन, किसका जो पॉपुलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट, हाईएस्ट है फूड चेन में,
डिकम्पोजर का प्राइमरी प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट इन फूड चेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी कंज्यूमर, तो देखा जाए तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उससे भी ज़्यादा जो नंबर होता है हाईएस्ट विल बी हाईएस्ट इन फूड चेन। ये कह रहा है पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो डिकम्पोजर का जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है फूड चेन में। हु इज फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, हु इज फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है उसमें हु इज़ द फूड कंपोनेंट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन में फूड कंपोनेंट कौन सा होगा। तो कंज्यूमर हो गया, या फिर डिकम्पोजर, फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फोटोसिंथेटिक कंज्यूमर। तो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन में फूड कंपोनेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये डी नहीं है, सी है। सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ ए यूनिट एरिया इज इकोलॉजी, जेनेटिक्स, साइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल और इकोसिस्टम। सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन, सिस्टम जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल नॉन लिविंग फैक्टर, जो लिविंग फैक्टर नॉन है, एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ यूनिट एरिया। तो इंटरेक्शन ऑफ ऑल नॉन लिविंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर बायोटिक हो गया, पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ यूनिट एरिया, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोसिस्टम, साइंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो ये इकोलॉजी में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रीडेटर एंड प्रोड्यूसर, प्राइमरी डिकम्पोजर। फूड चेन में कौन सा इंक्लूडेड है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इंक्लूडेड है इन एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन में कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रीडेटर एंड प्रोड्यूसर, प्राइमरी डिकम्पोजर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन एनी फूड चेन, कोई भी जो फूड चेन होता है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर इंक्लूड होगा, प्राइमरी कंज्यूमर भी इंक्लूड होगा, प्राइमरी प्रीडेटर और प्रोड्यूसर भी, प्राइमरी डिकम्पोजर भी। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो किसी भी फूड चेन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फूड चेन, फूड चेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी चेन फॉर्म बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फूड चेन, जो फूड चेन होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी चेन फॉर्म बाई न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, फूड चेन, एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म ट्रॉफिक लेवल, इंटर रिलेशन एमोंग डिफरेंट फूड चेन फॉर फूड वेव ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो फूड वेव के लिए ठीक है, एनर्जी का फूड चेन फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल, एवरी चेन फॉर्म बाई न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यू टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि उपयोगी होगा टीजीटी, पीजीटी और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं केवीएस एनवीएस के।
बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिनका, उनके लिए यह जो है काफ़ी यूजफुल रहेगा। और बीएससी के स्टूडेंट भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पार्ट वन कराया था, पार्ट वन में हमने 10 क्वेश्चन किए थे इकोसिस्टम के, और आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज मैक्सिमम एनर्जी, इसमें से कौन सा जो है कि मैक्सिमम एनर्जी यूज करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर या प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वही सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम मतलब यूज करता है। जो भी हमारा एनर्जी पूरा जो सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है वो सन से ही आती है, मेन सोर्स हमारा सन है, और सूर्य से आती हुई एनर्जी का 2 से लेके 10% तक ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये यूज करते हैं, और इसी से बाकी के एनिमल्स में जाता है। जैसे ग्रीन प्लांट को हम खाते हैं, मनुष्य या बाकी के जानवर खाते हैं, उन जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, तो इस तरह से यह साइकिल चलती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वही यूज करते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंटर इन इकोसिस्टम, किसके द्वारा एनर्जी जो है इकोसिस्टम में इंटर करती है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, प्रोड्यूसर्स के द्वारा या डिकम्पोजर या प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे देखिए जो सन की एनर्जी होती है सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी जो है प्लांट्स के द्वारा केमिकल और ऑर्गेनिक एनर्जी में प्रोड्यूस की जाती है, मतलब रूपांतरित की जाती है। तो जो प्लांट्स होते हैं इनके द्वारा ही इंटर करती है। नेक्स्ट है व्हाई इज एल्गी प्लेस्ड इन फर्स्ट प्लेस आर फूड चेन, जो फूड चेन होता है उसमें फर्स्ट प्लेस पे एल्गी क्यों है। एल्गी इज फर्स्ट टू सिंथेसाइज फूड, एल्गी इज फर्स्ट टू कंज्यूम फूड। एल्गी जो है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज फूड, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज फूड, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ पे देखें एल्गी इज फर्स्ट टू कंज्यूम फूड, ये भी गलत है, क्योंकि एल्गी जो थे जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे वही जो है सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जो कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते थे या फिर सिंथेसाइज करते थे फूड को। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट ईटिंग पिजन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट ईटिंग पिजन इंक्लूडेड, जो व्हीट ईट करने वाले पिजन होते हैं उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जो व्हीट ईटिंग पिजन होते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर में इंक्लूड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इन अपर मोस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, हर्बीवोर, कार्निवोर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। द फॉलोइंग प्लेस्ड इन अपर मोस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है हमें प्राइमरी सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं सबसे नीचे, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंड पे आते हैं, और हर्बीवोर जो होते हैं ये भी सेकेंड पे आते हैं, कार्निवोर थर्ड लेवल पे, तो ये सबसे टॉप मोस्ट पे रहेंगे। एज वी प्रोसीड इन फूड चेन बायोमास, बायोमास क्या होता है जब हम फूड चेन में जाते हैं तो बायोमास इंक्रीज होता है। इन इकोसिस्टम सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी, सन, द ग्रीन प्लांट, शुगर। तो इकोसिस्टम में तो हम सन को भी लेके चलते हैं तो सन ही हो जाएगा हमारा सबसे पहला जो सोर्स है वो सन ही है, सन से ग्रीन प्लांट तक आता है और ग्रीन प्लांट से बाकी के एनिमल्स को मिलता है। नेक्स्ट है हु इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं बायोटिक कम्युनिटी के, हर्बीवोर, ग्रेजिंग एनिमल, ओमनीवोर, स्कैवेंजर, कार्निवोर। हु इज प्राइमरी कंज्यूमर, हु इज प्राइमरी बायोटिक कम्युनिटी, जो बायोटिक कम्युनिटी होती है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर या ग्रेजिंग एनिमल्स ही होंगे, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि देखिए कार्निवोर जो है सेकंड पे आ जाएंगे, ओमनीवोर भी सेकंड पे आ जाएंगे, स्कैवेंजर वो होते हैं जो
दूसरे एनिमल पे पैरासाइट होके और जो है ब्लड सप करते हैं। तो ये नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स आर प्लेस्ड, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स आर प्लेस्ड। वीड्स जो होते हैं ये प्लांट ही होते हैं जिनको कि हम ग्रो नहीं करते, ये हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें अपने आप ये ग्रो हो जाते हैं, इनको ग्रो नहीं करना पड़ता। तो ये किस में आ जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, डिकम्पोजर में, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है, व्हेन डज एनर्जी फ्लो स्टार्ट इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कब स्टार्ट होता है, व्हेन मटेरियल साइकिल स्टार्ट, व्हेन सनराइजेज। हाँ, जब सनराइज होगा तो एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही है। व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन फूड, व्हेन लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्टोरेज प्लेस फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्टोरेज प्लेस फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, फॉस्फोरस एंड कंज्यूमर, पेरेंटल रॉक एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर स्टोरेज प्लेस फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का स्टोरेज प्लेस क्या है, कंज्यूमर है, पेरेंटल रॉक एंड एनवायरमेंट है, यहाँ पे थर्ड एनवायरमेंट एंड प्रोड्यूसर, एनवायरमेंट एंड पेरेंटल रॉक। तो फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा रॉक्स में ही होता है और नाइट्रोजन जो होता है एनवायरमेंट में होता है। आपको पता ही है कि जो हमारा वायुमंडल है ए, उसमें जो है हमारा कितना 78% नाइट्रोजन होता है हवा में, और हमारा 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 0.03% क्या होता है, कार्बन और CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है इस तरह से, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एन इंडिविजुअल एग्स यूज ए मशरूम एज फूड व्हेन, देन इन विच ट्रॉफिक लेवल मशरूम एंड एग्स आर इंक्लूडेड। तो मशरूम हो गया हमारा सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी जो होता है एग्स हो गया, फूड चेन हो गया, तो मशरूम जो होता है हमारा डेट्रिटस फूड चेन में आता है, ठीक है। तो प्राइमरी तो नहीं, डेट्रिटस ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्किड स्टेइंग ऑन मैंगो ट्री। तो यह जो है किस पे आ जाएगा, ट्रॉफिक लेवल में, फर्स्ट में। विच एज ग्रुप इन, विच एज ग्रुप इन पिरामिड इंडिकेट लेस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, किस में लेस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा, किस ग्राफ में, ये कह रहा है बेल शेप्ड, ट्राइंगुलर, इन्वर्टेड बेल शेप्ड, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल। तो यहाँ पे है ट्राइंगुलर। इट इज करेक्ट फॉर इकोसिस्टम प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो होता है हमारा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो जो बायोटिक होता है उसमें प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं प्लस एबायोटिक। नेक्स्ट है, कम्युनिटी फॉर्म बाय वेरियस स्पीसीज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन एनिमल प्लांट माइक्रो। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक सोर्स, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट, ATP, लिपिड, सनलाइट जो होता है यही ओरिजिनल सोर्स होता है, यहीं से एनर्जी जो है इकोसिस्टम में इंटर करती है और सभी प्लांट्स और एनिमल को मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्ड ईटिंग पीपल आर इंक्लूडेड, कर्ड ईटिंग जो होते हैं हमारे वो फर्स्ट में आ जाएंगे, मतलब एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो एनिमल प्रोडक्ट वाले सेकेंडरी में आ जाएंगे। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे तो प्रोड्यूसर आते हैं T1 पे,
टीटू पे आएंगे जो प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर से कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ इको सिस्टम इज इफेक्टेड व्हेन डिकम्पोजर आर रिमूव्ड फ्रॉम इट बिकॉज द फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ इको सिस्टम, जो इको सिस्टम होता है उसकी फंक्शनल इफिशियंसी जो है व्हेन डिकम्पोजर आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब डिकम्पोजर को हम रिमूव कर देते हैं इट बिकॉज एनर्जी फ्लो विल स्टॉप द फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ इको सिस्टम, जो फंक्शनल इफिशियंसी होती है इकोसिस्टम की, फंक्शनल इफिशियंसी होती है इकोसिस्टम से इज अफेक्टेड व्हेन डिकम्पोजर आर रिमूव फ्रॉम इट बिकॉज एनर्जी फ्लो विल स्टॉप रेस्ट कंपोनेंट डिकम्पोजिशन विल बिकम फास्टर हर्बीवर विल नॉट गेट सनलाइट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विल स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए क्या होगा कि अगर हम डिकम्पोजर्स को हटा देंगे तो जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो जो है कि न्यूट्रिएंट फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम लोग 30 तक ही करेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्रिटस फूड चेन विल स्टार्ट, तो एल्गी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है, तो डेट्रिटस फूड चेन जो है वो बैक्टीरिया से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसेस साइकिल, फास्ट सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो फास्फोरस जो होता है ये रॉक में होता है, तो यहाँ पे हमारा 1, 2 and 4 नाइट्रोजन साइकिल तो गैसेस होगा तो 4 होगा, और फास्फोरस जो है गैसेस नहीं होता है, गैसेस नहीं होता है, 4 नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस साइकिल, तो गैसियस साइकिल तो मान लीजिए नाइट्रोजन वाला गैसियस साइकिल ही होगा, और थर्ड जो है फास्फोरस साइकिल कह रहा है, 1 सल्फर साइकिल, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि आंसर इसमें कोई सही नहीं लग रहा है, फास्फोरस तो रॉकी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए सल्फर साइकिल जो होता है, सल्फर साइकिल कार्बन साइकिल ये भी नहीं आएगा और सल्फर साइकिल भी नहीं आएगा, यहाँ पे सी वाला हो, सी मतलब सी हो सकता है, फास्फोरस ऐसे रॉक्स में भी मिलता है और गैस फॉर्म में भी होता है, तो हमारा सी ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इकोसिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है TGT में, KVS, NVS, नेट, ये जो सारे एग्जाम्स हैं इन सब का ये सिलेबस होता है इकोसिस्टम, उसमें पूछा ही जाता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो इनके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसेस साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो गैसेस साइकिल वो होती है जो कि उसका पूरा साइकिल जो होता है गैसेस फॉर्म में होता है, तो
गैसेस साइकिल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता है फास्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल जो है गैसेस साइकिल है। नाइट्रोजन जो है मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में होता है, और फास्फोरस भी आपको पता है गैसेस फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल जो है ये दोनों जो है सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैसेस फॉर्म में भी मिलते हैं, तो इसलिए हमारा 3 और 4 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट में करके कुछ क्वेश्चन इकोसिस्टम के डाले हैं, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पार्ट 3 में देखते हैं कितना करा पाते हैं। एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन विच फॉर्म एनर्जी इज लास्ट, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में लास्ट होती है, तो जो नष्ट होती है एनर्जी या लास्ट होती है वो किस रूप में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हीट है, केमिकल है, लाइट है और नन है। तो आपको पता ही है कि ट्रॉफिक लेवल पे जैसे कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर की जो 100% एनर्जी होती है उसका केवल 10% ही T1 लेवल मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाएगा। और ट्रॉफिक लेवल आपको पता ही है प्रोड्यूसर हमारा T1 हो गया, कंज्यूमर हमारा T2 हो गया, और कंज्यूमर में भी ये हर्बीवोर होगा, ठीक है, हर्बीवोर होता है। तो T1 हो गया, T2 हो गया, और यहाँ से हो गया हमारा T3 जो कि हर्बीवोर को जो खाते हैं कार्निवोर ये होते हैं। तो इस तरह से तो T1 से T2 में जो जाती है एनर्जी केवल 10% जाती है, आपको पता ही है। और बाकी ये पूछ रहा है लॉस्ट होने का, तो जो नष्ट होती है एनर्जी वो किस रूप में होती है, तो हीट के रूप में होती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब हम जाते हैं तो कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। फिर सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ फास्फोरस डिटर्जेंट फर्टिलाइजर फिकल ऑफ एनिमल रिवर। तो यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ फास्फोरस पूछ रहा है, तो डिटर्जेंट में फास्फोरस का यूज किया जाता है। सोर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ फास्फोरस, जैसे कि यूट्रोफिकेशन जो हो जाता है पॉन्ड में, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो है कि क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन और गैसेस की कमी में हो जाती है और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है मर जाते हैं, तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये कह रहा है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है तो उसमें जो फास्फोरस है हाँ फर्टिलाइजर्स में, तो उसका सोर्स है डिटर्जेंट। मान लीजिए जितने भी कपड़े धुले जाते हैं सारे के पानी को हम क्या करते हैं, गिराते हैं जो कैनाल के थ्रू, तो सीधे हम जो है कि वाटर बॉडीज़ में नदियों में गिरा देते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो डिटर्जेंट आज के समय पर ज़्यादा यूज भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, कौन सा जो है हमें फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लीव्स हो गई, रूट हो गया, माइकोराइजा या स्टेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव्स रूट और स्टेम ना होके माइकोराइजा होगा, ठीक है। इन ए डे हाउ मैनी टाइम एन इंडिविजुअल इंस्पायर एंड एक्सपायर, एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में कोई इंडिविजुअल कितना बार इंस्पायर या एक्सपायर करता है, तो सांस लेता और छोड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40,000 टाइम होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितनी परसेंट होती है, वो होती है 70%। व्हिच एडाप्टेशन इज ऑब्जर्व ओनली इन ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स में हमें जो है कैम एडाप्टेशन देखने को मिलता है, इज ऑब्जर्व ओनली इन ज़ीरोफाइट। तो कैम कैम एडाप्टेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, कि जैसे वहाँ जितने भी ज़ीरोफाइट्स हैं वो मरुस्थल में ग्रो करते हैं, और वहाँ पे जो है क्या होता है ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और
टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है, और क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी CO2 के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है, O2 के प्रति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा और बहुत सारी जो है एनर्जी लॉस्ट होगी। तो ऐसे स्थिति में जो है क्या होता है कि कैम एडाप्टेशन, जिसे C4 प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, ये पाया जाता है जीरोफाइट्स में। उसमें क्या होगा कि बंडल शीथ सेल होती हैं, जो कि स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, और बंडल शीथ सेल जो होती हैं स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। तो जो बंडल शीथ सेल होती हैं ना, इनमें क्या होता है कि CO2 इसमें स्टोर करके रख लिया जाता है, और यहाँ पे रूबिस्को जो है वर्क करता है। और जो बंडल शीथ सेल होती हैं इनमें जो होता है कि फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता, फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जो है H2O का विखंडन नहीं होता, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस और O2 जो है प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो O2 प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि आपको पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, नॉन साइक्लिक वाला, जिसमें फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होता है, हाँ, H2O की फोटोलिसिस होती है, हाँ, फोटो लाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ से O2 रिलीज होता है, ठीक है। तो वही रिएक्शन जो है यहाँ पे बंडल शीथ सेल में नहीं होता, तो O2 प्रेजेंट ही नहीं होता। और जब O2 प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर जो है कि रूबिस्को जो है O2 से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। O2 रहेगा तब तो रूबिस्को O2 रहेगा तब तो रूबिस्को O2 से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अगर रहेगा ही नहीं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जीरोफाइट्स प्लांट में ये एडाप्टेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर CO2 एब्जॉर्प्शन इन कैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट, ओनली एट मिडनाइट, ड्यूरिंग डे टाइम, मॉर्निंग। तो ड्यूरिंग नाइट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग नाइट जो होता है क्या होता है, O2 एब्जॉर्प्शन होता है कैम प्लांट में। तो कैम प्लांट में क्या होता है कि CO2 जो है बंडल शीथ सेल में जाके स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 है, इसमें कह रहा है इन इट लीवर लीवर लोब्यूल किडनी में, मतलब लीवर में लीवर लोब्यूल होंगे, किडनी में यूनिफेरेस्टिब्यूल, इकोलॉजी वाई और एक्स, देन व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द गिवन। तो इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लीवर होता है उसमें लीवर लोब्यूल जो है उसको मिल के बनाते हैं, एक ही लीवर लोब्यूल नहीं होता है, हाँ, ज़्यादा होते हैं, वो मिल के बनाते हैं लीवर को। तो ये यूनिट हो गया, हाँ, मतलब एक सबसे छोटा यूनिट तो नहीं हुआ लेकिन एक यूनिट हो गया, और भी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से जो किडनी है उसमें हमारा होता है यूरिनिफेरेस्टिब्यूल, जो इसकी यूनिट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से ये पूछ रहा है कि इकोलॉजी को अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे क्या होगा। तो इकोसिस्टम है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, और वो मिल के जो है पूरी इकोलॉजी को बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग चार्ट से क्या एक्सप्लेन हो रहा है, फॉलोइंग चार्ट बर्ड हो गया, 20 बर्ड्स हो गए, या 25 PPM हो गया।
बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ DDT मैग्नीफिकेशन कंसंट्रेशन एक्वेटिक फूड वेब फूड चेन DDT इज नॉट डिग्रेडेबल वन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो है फूड चेन और जो है कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, तो DDT जो है डिग्रेडेबल नहीं होता है, यह हमेशा जो है बढ़ता जाता है, इसका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता जाता है। जैसे DDT का छिड़काव कर दिया हमने क्रॉप पे, तो क्रॉप से क्या होगा कि वहाँ पे वो बढ़ता जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। DDT जो है नॉन डिग्रेडेबल होता है और इसमें जो है कि फूड चेन चलती है और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ DDT। तो ये हो गया। तो विथ रिफरेंस टू प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। डेड मटेरियल प्रीडेशन बाय डेड ट्रिटी वोर डाइजेशन इन एनिमल डिफेकेशन मिक्सेस विथ सॉइल। मिनरलाइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आयन एंड साल्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन द इनर लेयर ऑफ सॉइल। जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ों को लगाना है हमें, ठीक है। ये जो ए दिया है तो इसी तरह से यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। तो डेड मटेरियल प्रीडेशन होता है सबसे पहले, और बाय डेट्री वो डाइजेशन इन एनिमल डेफिकेशन मिक्सेस विथ सॉइल। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन द इनर लेयर ऑफ सॉइल। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आयन एंड साल्ट मिनरलाइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज। सबसे लास्ट में होता है मिनरलाइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डेड मटेरियल का प्रीडेशन होता है डेट्रिटी बोर के द्वारा, डाइजेशन होता है इन एनिमल डेफिकेशन मिक्सेज विद द सॉइल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इनर लेयर ऑफ सॉइल। उसके बाद जो है हमारा होता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आयन और साल्ट का सिंपल सब्सटेंस बनता है। उसके बाद मिनरल्स और सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ सब्सटेंसेज, ये होता है सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन झूठों को बहुत बड़ा करके दिया है, इसको रहने देते हैं। ये करते हैं, फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो इन रेफरेंस विद थर्मोडायनेमिक्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन रेफरेंस विद थर्मोडायनेमिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो ऑल करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है या फिर जो रेफरेंस अगर हम देखते हैं तो एनर्जी जो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होती है। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट।
कुछ ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, फ्री एनर्जी जो होती है फ्री एनर्जी इक्वल टू हो गया एनर्जी विच कैन डू वर्क। जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी विच कैन डू वर्क। तो यहाँ पे हमारा ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। एट ईच ट्रॉफिक लेवल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी रिड्यूस्ड। हर एक ट्रैफिक लेवल पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कम होती जाती है। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। कोई भी फूड चेन होता है तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। अब रैट हो गया, ये भी फूड चेन और फूड वेब दोनों में आता है, फॉक्स भी और लायन भी। हाँ, और यहाँ पे देखिए अर्थवर्म जो है ये क्या है, मिट्टी खाता है, तो अर्थवर्म यहाँ पे हमारा आंसर, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्स इज जो एक्स होता है रिलीज इन हेलोफाइट्स एंड वाई इज सोर्स ऑफ इट। जेड प्रोसेस अकर इन एसरी देन व्हाट डज एक्स वाई जेड इंडिकेट। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, एक्स जो है फास्फोरस और वाई सीवेज वाटर और जेड यूट्रोफिकेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर इज 100 यूनिट। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोड्यूसर इज 1000 यूनिट, देन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फाउंड इन हाइस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। तो T1 पे अगर 100 एनर्जी है तो यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 100 होगी, यहाँ पे 10 होगी, और हाईएस्ट लेवल पे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी है, 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसे देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट डज गिवन चार्ट इंडिकेट। ये दिया हुआ जो चार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम, टाइप ऑफ इको सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ये शो कर रहा है।
अगर देखें तो यहाँ पे ये जो है सन है, सन से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है, यहाँ से कंज्यूमर को, और यहाँ से डिकम्पोजर नॉन लिविंग। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या इनकरेक्ट है? मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाई इट, प्लांट आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट। इनकरेक्ट कह रहा है, तो मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाई इट, तो जो जहाँ भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। प्लांट आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट, प्लांट इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इट्स प्रोपोर्शन इन वाटर इज 90%। तो बाई वेट देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। और ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन वगैरह करते हैं या फिर कुछ जो होते हैं कीमोसिंथेटिक होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स इज सोर्स ऑफ वाई, एक्स इज सोर्स ऑफ वाई बट वाई नेवर टर्न टू एक्स, देन विच प्रोपोर्शन इज रॉन्ग फॉर एक्स एंड वाई। एक्स इज सोर्स ऑफ वाई बट वाई नेवर टर्न टू एक्स, देन विच प्रोपोर्शन, विच ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स जो है प्लांट है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्स सन है और वाई एनर्जी है, एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी आर रॉन्ग। तो ए एंड बी जो है ये दोनों जो है ए और बी दोनों रॉन्ग हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हाट डज पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम इंडिकेट इन, नंबर ऑफ स्पीसीज इन ईच ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉफिक लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे हमारा सी सही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल। Which option is correct for given information? Ecosystem is an outcome of interaction between all living component and non-living component of environment. Gross primary productivity is equal to net primary productivity minus loss due to respiration. Primary productivity is measured in dry biomass. तो इसमें हम देखेंगे करेक्ट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इकोसिस्टम इज एन आउटकम ऑफ एन इंटरेक्शन, जो इकोसिस्टम होता है आउटकम होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, बायोटिक और एबायोटिक। और उसके बाद ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। तो ये दोनों ही सही है। तीसरा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय ड्राई बायोमास, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ड्राई बायोमास से नहीं, वो मतलब कि जो फ्रेश होता है उससे निकाली जाती है, तो ये वाला गलत है।
मतलब फॉल्स है, तो ट्रू ट्रू कौन सा है? ठीक, डी में देखिए ट्रू है पहला और दूसरा, तीसरा जो है फॉल्स है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 20 क्वेश्चन किए पार्ट थर्ड में, अगले में हम लोग बाकी के क्वेश्चन यहाँ से 51 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर से बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड डाला है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, करीब 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी इकोसिस्टम में जो आगे के क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इकोसिस्टम के ये जो क्वेश्चंस हैं TGT, PGT और KVS, NVS, इन सब में ये कॉमन सिलेबस है और इन सब में पूछा जाता है। नीट में भी ये सिलेबस में आता है, नीट के सिलेबस में भी। तो चलिए देखते हैं आगे का 51 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। यहाँ पे एक रिजर्वायर दिया हुआ है और यह जो है एक्स और वाई और जेड है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो रिजर्वायर है वहाँ से इक्विलिब्रियम में है, या फिर दोनों ही तरफ ये रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या है। तो जैसा कि हम लोग इकोसिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे एक्सचेंज प्लेस हो जाएगा, वाई कंज्यूमर और जेड जो है कि पॉपुलेशन। सेकंड ऑप्शन है एक्सचेंज प्लेस है, पॉपुलेशन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक सी ऑप्शन है बायोटिक कम्युनिटी है, या फिर वाई पॉपुलेशन है या जेड कंज्यूमर है। डी ऑप्शन है एक्स जो एक्सचेंज प्लेस है और वाई बायोटिक कम्युनिटी है, जेड कंज्यूमर है। तो देखिए कोई भी रिजर्वायर जो होता है जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं बहुत ही स्टोर के रूप में रखी होती हैं और वहाँ से एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक्सचेंज, जब एक्स जो है एक्सचेंज प्लेस हो जाएगा और वाई क्या है बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगा और जेड कंज्यूमर। कैसे वाई बायोटिक कम्युनिटी कैसे होगा? क्योंकि कोई भी एक्सचेंज प्लेस जो होता है वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी होती है, ठीक है। और बायोटिक कम्युनिटी में जो है वहाँ से बस मतलब अपनी आवश्यकता की नीड्स को पूरा करती है बायोटिक कम्युनिटी उस एक्सचेंज प्लेस से, एक्स से। और बायोटिक कम्युनिटी में ही एक देखा जाए तो ये जेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया? किसी भी पर्टिकुलर एरिया का व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन? किसी भी अगर हम स्पीसीज के पॉपुलेशन को देखें तो उसके जो साइज घट रहा है या बढ़ रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? जैसे कि अभी अगर हम देखें धरती पे, तो मानवों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 750 से 750 अरब से बढ़ के 800 अरब तक पहुंचने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरी धरती एक प्लेस हो गई, पर्टिकुलर एरिया हो गई, वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या साइज को बढ़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसी तरह से जो है अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो कोई एक जंगल है, कोई मान लीजिए कोई रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी एक एनिमल का, लायन का ले लें, तो उसका पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होगा या कम होगा किस बात पे जो है डिपेंड करेगा। तो अगर किसी भी एनिमल को ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो जो वस्तुएँ चाहिए उसे प्राप्त होंगी, तो वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन और उसकी साइज मतलब जो पॉपुलेशन साइज है बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उस पे
किसी तरह का ड्रॉबैक लगता है, जैसे कि उसके मन मुताबिक क्लाइमेट नहीं है या भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो उसमें डिक्रीज आएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे साइज जो होता है पॉपुलेशन का, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे, प्रेशर पे, प्रीडेशन पे, ऑल थ्री पे। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। प्रेशर और प्रीडेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रेशर और प्रेडेशन। प्रेशर जैसे किसी भी तरह का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे मान लीजिए रैबिट है और उसको खाने वाले टाइगर ज़्यादा हैं, तो प्रेडेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी एक भी जीव का कि पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन फॉरेस्ट मैक्सिमम 500 लायन कैन बी अलाउड विथ, देन व्हाट डज 500 इंडिकेट। तो जैसे कि हमारी धरती की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 700 अरब से ज़्यादा जब भी जनसंख्या होती है तो क्या होता है, 700 अरब से ज़्यादा जब भी जनसंख्या होती है तो क्या होता है, धरती जो है मानवों की जनसंख्या है उसको कैरी करने में नहीं कर पाती, मतलब उससे ज़्यादा जैसे होती है तो वैसे ही जैसे कि मतलब प्रेशर क्रिएट होता है और घटना जो पॉपुलेशन है वो घटना शुरू हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर्स के द्वारा, हैं। तो मतलब कि हर एक जो पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी फॉरेस्ट है, तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है। इसी तरह से अगर कोई जैसे जंगल है तो वहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे 500 लायंस को हम रख सकते हैं, तो 500 लायन को रख सकते हैं, इसका मतलब कि उससे ज़्यादा को रखा तो उन्हें फूड प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यह जो है उस फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम बर्थ रेट, मतलब कि 500 लायन ही ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ लायन को इंडिकेट कर रहा है, या फिर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड बर्थ रेट। तो यहाँ पे जो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी भी प्लेस की जो कैरिंग कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा वहाँ पे हम जो है कि एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, किसी को भी वहाँ पे हम नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उनका जो है पोषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, एट विच वाइटल इंडेक्स पॉपुलेशन इज स्टेबल, किस वाइटल इंडेक्स पे पॉपुलेशन स्टेबल होता है, 1 पे, 0 पे, इन्फिनिटी या 100 पे। तो वाइटल इंडेक्स जो होता है यह जो है 100 पे स्टेबल होता है। इफ़ एनी ऑफ द इकोसिस्टम मैन कैन बी इन, एनी ऑफ द इकोसिस्टम मैन कैन बी, किसी भी इकोसिस्टम में मैन क्या हो सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो देखिए यहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम में मैन जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को डायरेक्ट खाते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट को जो लोग खाते हैं उनको खाते हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट है, इफ़ अर्थ इज़ कंसिडर्ड ए यूनिट रीजन देन बायोस्फीयर कैन बी कंपेयर्ड टू, अगर हम अर्थ को एक यूनिट रीजन कंपेयर करें, एक यूनिट है, जैसे ब्रह्मांड में अगर हम चले जाते हैं तो उसके हिसाब से अर्थ हमारी एक जो है यूनिट हो सकती है। देन बायोस्फीयर कैन बी कंपेयर टू, तो बायोस्फीयर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इको सिस्टम, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, स्पीसीज। तो हम इसको बायोटिक कम्युनिटी से कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अर्थ इज कंसीडर ए यूनिट रीजन देन इट कैन बी कंपेयर्ड टू,
तो इसको हम इकोसिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। हु एक्सेप्ट द न्यूट्रिएंट रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर जो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, जैसे हमारी धरती में बहुत सारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे प्लांट के हो गए या फिर एनिमल के, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनमें आते हैं बैक्टीरिया और फंगस। तो बैक्टीरिया आ जाता है और फंगस और फंगाई तो ये डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल को। उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स के द्वारा ये लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर नन ऑफ द गिवेन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है इस न्यूट्रिएंट को लेते हैं। इफ हर्बीवोर आर 5 इन नंबर, अगर हर्बीवोर जो हैं 5 हैं इन द नंबर इन द गिवेन फूड चेन, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल लेयर इन द इट। तो कह रहा है इफ हर्बीवोर आर 5 इन नंबर, तो इसे हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। विच ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड यूजेबल फॉस्फेट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मिट्टी में डले होते हैं, तो उनसे जो है फास्फोरस को कौन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड यूजेबल, तो कौन से ऑर्गेनिज्म उसमें से न्यूट्रिएंट को रिलीज करते हैं। फंगाई बैक्टीरिया, फंगाई एल्गी, बैक्टीरिया एल्गी, बैक्टीरिया फंगाई, वही बात है, ये भी सही है, बैक्टीरिया फंगाई या फंगाई, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है इसमें। हाउ मेनी टाइम डू वी ब्रीथ पर डे, एक दिन में हम कितनी बार सांसें लेते हैं, तो 40,000 टाइम्स। विच पिरामिड इज नॉट करेक्ट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूमेरिकल पिरामिड है ये, तो ग्रास का नंबर जो है ज़्यादा ही होगा, और एक रैबिट जो है बहुत ज़्यादा ग्रासेस को खाता है तो इसके नंबर कम हो जाएंगे, और टाइगर जो है, एक टाइगर जो है 2-3 रैबिट को खा जाता है तो इसके नंबर और कम हो जाएंगे, ठीक है, और इसके नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये वाला ए सही है, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। बायोमास पिरामिड में देखा जाए तो ग्रासेस के जो मास है वो ज़्यादा होंगे रैबिट से, और रैबिट से जो है रैबिट का जो है बायोमास ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइगर यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे अगर सही नहीं है तो सी वाला सही नहीं है, देख सकते हैं। समझने का ये है कि एनर्जी का ये पिरामिड है, तो ग्रास का यहाँ पे ये जो है छोटा बनाया है, ठीक है, तो ये कैसे होगा, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्योंकि 10% ट्रांसफ़र कर ला तो पता ही है। इट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फर्स्ट स्टेम ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट स्टेम नहीं, फर्स्ट स्टेप होगा डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इन द बॉडी ऑफ स्केवेंजर। जैसे जो लोग घी खाते हैं उनके बॉडी में जाके ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका फ्रेगमेंटेशन होता है, कैटाबोलिज्म, उसके बाद की प्रोसेस है लीचिंग में, ये सारी प्रोसेस जो है कैटाबोलिज्म, लीचिंग या इन सॉयल या फिर इन द बॉडी ऑफ डिकम्पोजर, ये सारी के प्रोसेस जो है बाद के प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ऑटोट्रॉफ यूज एक्स प्रोड्यूस वाई। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यूज करते हैं, तो जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या न्यूट्रिएंट, विच इज स्टोर एज जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एक्स वाई एंड जेड। तो ये केमिकल ये रिलीज करते हैं, तो हमारा ये वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एनी फूड चेन। तो ओरिजिनल जो सोर्स है हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का वो क्या है, तो ओरिजिनल जो, देखिए वैसे तो एनर्जी सन से ही आती है, सन से ही प्लांट्स में जाती है और वहाँ से आगे, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एनी फूड चेन। तो लेकिन जो हम फूड चेन बनाते हैं इकोसिस्टम में तो पूछेगा तो वहाँ पे सनलाइट आ जाएगी, लेकिन अगर फूड चेन में पूछता है तो हम प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है सन भी है, प्रोड्यूसर भी है, प्राइमरी और नन भी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन प्रोड्यूसर ही सही होगा, क्योंकि फूड चेन में हम सन को नहीं बनाते, इकोसिस्टम अगर हम बनाते हैं तो उसमें बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमैच्योर फॉल ऑफ फ्लोरल बर्ड एंड फ्रूट आर ऑब्जर्व इन ए फार्म एंड ऑन लीव्स रेड, ठीक है, एंड ऑन लीव्स रेड एंड पर्पल पिगमेंट स्पॉट आर ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन विच सच सिम्टम विल नॉट बी ऑब्जर्व इन प्लांट, सीशोर, बैंक ऑफ रिवर, फुट हिल ऑफ माउंटेन, रेड सॉइल। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है फुट हिल ऑफ माउंटेन में जो प्लांट होते हैं उनमें ये सब देखने को नहीं मिलता। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस लाइक फॉस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सर्टेन स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, कौन सा जो इकोसिस्टम है हैज़ हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसमें हाईएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं है इकोसिस्टम का, स्ट्रेटिफिकेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, डीकम्पोज या प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन डू नॉट एस्टेब्लिश फंक्शनल इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, एक्सो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट या कमेंसलिज्म, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्लांट यूज CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बायोमास ऑफ प्लांट इज अवेलेबल टू ओनली हर्बिवोर इन ऑल CO2 एक्सेप्टर, प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऑल थ्री। इन ऑल CO2 एक्सेप्टर प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। इट इज द टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। तो ये है C3 साइकिल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनल स्टार्च ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन या एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव एनिमल एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट सीड, प्रोडक्टिव जो होते हैं मिमिक्री और न्यूट्रिशनल जो होते हैं प्रोड्यूसर, हर्बिवोर, कार्निवोर। न्यूट्रिशनल में आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में एनिमल डिस्पर्सल ऑफ फूड। तो यहाँ पे हम देखें तो ये सही हो जाएगा। इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल, किसी भी इकोसिस्टम में कौन सा यूनिडायरेक्शनल होता है, सल्फर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कार्बन या फ्री एनर्जी। एनर्जी का अगर देखा जाए तो यह जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट टू रिसीव फॉस्फेट रिलीज थ्रू द लीचिंग इन द फॉस्फेट साइकिल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ गैसियस साइकिल, तो गैसियस साइकिल जो है सल्फर वाला नहीं होता है, ये वाला गैसियस साइकिल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ गैसियस साइकिल, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है देखा जाए तो। ये भी तो सेम ही बात है, नाइट्रोजन चाहे सल्फर, नाइट्रोजन दो बार एक ही ऑप्शन दिया है। तो इसको छोड़ देते हैं,
व्हाट इज इंडिकेटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर से क्या इंडिकेट होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, स्पीसीज बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, नन ऑफ द गिवन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट एवरी ट्रॉफिक लेयर। Which of the following has maximum importance value in the grassland? Secondary production, net production, tertiary production, total production. Which of the following has maximum importance in grassland? Total production. Grass, cow, lion. If productivity of grass is 5000 kg per meter per year, what will be the productivity of lion in general? तो प्रोडक्टिविटी जो होगी लायन की मोर देन 50 होगी। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें एक या दो या तीन जो है कि ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट है, इफ 90% ऑफ कार्निवोर आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट हैं देन फॉरेस्ट एरिया इनक्रीजेज। ठीक है, जनरली 3 to 4 ट्रॉफिक लेयर आर प्रेजेंट इन फूड चेन ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये तो सही है, फूड चेन जो भी हम बनाते हैं उसमें 2 या 3 ही ट्रॉफिक लेयर, अरे 3 या 4 ही ट्रॉफिक लेयर होते हैं। फूड चेन ऑलवेज पोसेस 2 to 8 ट्रॉफिक लेयर्स। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। फूड चेन ऑलवेज पोसेसेस 2 to 8 ट्रॉफिक लेयर, ये तो नहीं होगा। अगला है, ऑन रिमूविंग 80% ऑफ टाइगर, 80% टाइगर को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो मेंबर ऑफ हार्वीवोर इंक्रीज। तो ये तो सही है, फोर्थ वाला, सेकंड वाला। और यहाँ पे कर रहे हैं कार्निवोर को रिमूव करने से फॉरेस्ट एरिया थोड़े ना बढ़ेगा, अगर हम हार्वीवोर को रिमूव करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा। तो ये वाला गलत है, हैं। तो सेकंड और जो है फोर्थ हमारा सही। तो ऑप्शन ए में है सेकेंड और फोर्थ है, सी में फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड फोर्थ है। तो यहाँ पे ये हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन लार्ज जर सरफेस एरिया फॉर द फ्यूचर डिकम्पोजिशन इज अवेलेबल। इन विच स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन लार्जर सरफेस एरिया फॉर फ्यूचर डिकम्पोजिशन इज अवेलेबल। तो फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट में हो जाएगा। 83 क्वेश्चन सही से, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 84 का, इन ए गिवन चार्ट फ्रॉम द कार्निवोर टू प्रोड्यूसर एनर्जी जो लेवल होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज बोथ आर पॉसिबल, नन। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप प्रोड्यूसर से हर्बीवोर कार्निवोर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो होती है एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन जब यहाँ से इधर आएंगे तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सो मोर स्टेबल इकोसिस्टम, मोर स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होंगे, सेकेंडरी उससे भी कम होंगे और टर्शियरी उससे भी कम होंगे, तो वही इकोसिस्टम जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये 100 है प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर ही कम है और कंज्यूमर ज़्यादा है, तो कैसे ये स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड में देखें तो प्रोड्यूसर 900 है, प्राइमरी कंज्यूमर 500, मतलब कि प्रोड्यूसर से कम है प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर से कम है सेकेंडरी कंज्यूमर, देखिए, और सेकेंडरी से भी कम है टर्शियरी, तो ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोड्यूसर है 200 है, प्राइमरी कंज्यूमर 100 है, सेकेंडरी कंज्यूमर इतना बढ़ गया, और ये देखिए, तो फिर ये भी स्टेबल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का रीजन बताना है हमें, ओबेसिटी, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इनएडिक्वेट ओटू सप्लाई, हाइपरटेंशन। इनएडिक्वेट ओटू सप्लाई होता है ना तब भी कैंसर हो जाता है। विच ऑप्शन इज मोर सुटेबल फॉर एक्स एंड वाई, तो एक्स के लिए कह रहा है एनिमल सेल पोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया, वाई के लिए कह रहा है इन एनिमल सेल एनर्जी रिलीज व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। तो एक्स और वाई जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही सही है मेरे हिसाब से। तो लिखते हैं ऑप्शंस, क्वेश्चन जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोला है, 87 को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स और वाई फ्रॉम, ठीक है, एक्स यहाँ पे ऑप्शन है, वाई फ्रॉम एक्स एनर्जी अवेलेबल टू वाई एंड वाई एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू एक्स, देन विच ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे x है और y, फ्रॉम x एनर्जी इज अवेलेबल टू y, x जो है y को दे रहा है, एंड फ्रॉम द y एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू x, x की जो एनर्जी है y को दी जा रही है और y एंड फ्रॉम y एनर्जी डू नॉट रिटर्न टू x, और यहाँ से इसको नहीं दी जा रही है, मतलब ये वाला रास्ता गलत है। तो ये क्या हो सकता है, तो एक हमको लग रहा है सन हो सकता है और वाई अर्थ हो सकता है, ठीक है, जब क्योंकि सन से ही तो एनर्जी अर्थ को आती है, अर्थ से सन को तो जाती नहीं है, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो सन से जो एनर्जी होती है अर्थ को आती है और अर्थ से सन को जाती है, सन से अर्थ को आती है, सब्सटेंस तो आता नहीं है, एनर्जी तो आती नहीं है, तो फिगर ये वाला सही है। ये ऑप्शन में क्या दिया है, ये ऑप्शन सही से टाइप नहीं हुआ है, रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज पॉसिबल बाय द एक्टिविटी ऑफ हेटरोट्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज पॉसिबल बाय द एक्टिविटी ऑफ हेटरोट्रॉप, यूटिलिटी, री एकोमोडेशन, डिकम्पोजिशन, ऑल द गिवेन। ऑप्शन हो जाएगा ऑल द गिवेन। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।